हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जेकेपी आईटीआई जेकेपी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आज हम प्लेट अर्थिंग या पाइप, आज हम पाइप अर्थिंग बनाना चाहेंगे और सेकंड वीडियो में हम प्लेट अर्थिंग बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों माप आपको याद करके जाना, जो भी माप आपने बग में डाली होती है उसी को आपको डालना, ना कि अपने इच्छा अनुसार डालना। तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से दो बॉक्स बनाएंगे, और जो तीसरा बॉक्स है वो जो दूसरा बॉक्स बनाया इससे आधा बनाएंगे, यानी अगर ये 10 mm का है तो हम इसको 5 mm बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके थोड़ा और ऊपर खींच के हम इसको थोड़ा इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा बनाएंगे, और ये बीच वाला भाग है उसको काट देंगे ताकि ये अलग अलग हो जाए। इनके ए वाला बॉक्स नीचे वाला तीन अलग बन जाए, ऊपर वाला अलग बन जाए। सेम जो हमारे जो इस लाइन को हमने खींचा इसको भी इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा बनाएंगे। इस तरीके से अब इससे हम इस पर थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे। अगर ये हमारा 5 mm था और एक 10 mm था तो हम बनाएंगे इसको 7 mm का एग्जाम्पल के तौर पर। इस तरीके से इसको बनाएंगे और सेम तीन भाग इसके बराबर बराबर बनाएंगे। इस तरीके से इसको बना लेना है हमको। यहाँ पर पाइप निकालने के लिए हमको बीच में एक पाइप के लिए बना देना है, उसके ऊपर पाइप निकाल देना है। ये मुक्त हस्त कारीगर, लेकिन इसमें माप सभी बुक के हिसाब का डालना है, जो बुक में डाला होगा उसी प्रकार का माप आपको डालना है। अभी पाइप को हमको सीधा एक लाइन खींच देना है, इस तरीके से हमको दोनों पाइप खींचने के बाद हमको क्या करना है, जो लास्ट वाला भाग बच रहा है हमारा, इस पर हमको तीर टाइप में एक नॉक बनाना होता है। इस तरीके से, और एक हर भाग में हमको एक अंदर की तरफ कट बनाना है इस तरीके से। और गोला रखते जाना है।
कट आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमको कट बनाना है और एक एक गोला छोटे छोटा बिंदी बनाते चलना है। इनको ना बिल्कुल सीधा बनाना है। इस तरीके से बड़ी एक बिंदी रखना है इस तरीके से। इतना बनाने के बाद जो हमने जो पाइप बनाया है, इसी पाइप को थोड़ा और ऊपर खींचेंगे। इस तरीके से पाइप बना के हम इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स को पूरा बनाने के बाद अभी हम इसको थोड़ा बाजू बाजू साइड थोड़ा और बढ़ाएंगे, इस तरह दोनों तरफ इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे। थोड़ा नीचे की तरफ लाके इसको मोड़ेंगे इस तरफ। थोड़ा नीचे को डाउन करेंगे फिर। इसको डाउन करने के बाद फिर थोड़ा नीचे की तरफ फिर नीचे करेंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद इस जो डिब्बा पहले बनाया था हमने, इस पर एक छोटा सा लाइन और खींचेंगे इस तरीके से। फिर एक लाइन और खींचेंगे, इसको थोड़ा दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। इसको यहाँ पर बना लेंगे। इस तरीके से दोनों साइड से कॉर्नर बना देना है हमको। अभी यहाँ पर हमको एक माइक टाइप का बनाना है, मुक्त हस्तारी करने से किसी प्रकार की मास्क जो है आपको नहीं लेना होता है। इसको बनाने के बाद आपको इस तरीके से नट जैसा बनाना है, नट बना होता है इसी प्रकार का।
सेम उसी तरीके का फिर बना लेना है। तो इसको इतना बनाने के बाद एक तीर जैसा निशान बना देना है, और फिर जो पाइप हमने यहाँ बनाया है इसको हम इसी से एक पाइप निकालेंगे बाहर के लिए। इस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पर क्या है एक जॉइंट लगाएंगे, इसको नीचे की तरफ डाउन करके फिर एक जॉइंट लगाएं, फिर एक जॉइंट, फिर ऐसा मोड़ देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारे आज तार हो जाएगा। एक पाइप के द्वारा हम क्या निकालेंगे आज तार, यानी अर्थ का जो वायर होता है हम यहाँ से इसको यूज करेंगे। फिर इतना बनाने के बाद अभी आपको इस सबसे नीचे वाले में और एक छोड़ के फिर दूसरे वाले में, फिर इसमें और इसमें क्या करना है आपको गोल गोल बिंदु रखना है इस तरीके से। वीडियो में टाइम ना हो तो मैं फटाफट वीडियो को रख लेता हूँ बिंदु। फिर इन सब में बिंदु रखने के बाद जो तीन भाग जो हमारे खाली बच रहे हैं इनको हम आपको क्या करना है 3H पेंसिल से हल्का हल्का धुंधला करना है इस तरीके का। यहाँ से मैं ज़्यादा धुंधला करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि ब्लैक मार्कर है। तो इसे आपको 3H पेंसिल से करना है ना कि 2H और H से। 3H से क्या एकदम कम धुंधला होगा, तीन को कम धुंधला करना है। इसको कम धुंधला करने के बाद जो हमारा जो इतना इतना भाग जो खाली बच रहा है इसका, इसमें हमको इस तरीके के पत्थर टाइप के छोटे छोटे टुकड़े बनाना है। तो इस पर क्या है टुकड़े बनाने के बाद पत्थर जैसे टुकड़े बनाने के बाद तो इसी तरीके का छायांकित करना है 3H पेंसिल से ना कि 2H और H से, ताकि ये टुकड़े जो है क्लियर दिख सके हमको। तो मैं यहाँ मार्कर से कर रहा हूँ ताकि क्लियर ना दिख नहीं दिखेगा आपको, आपको 3H पेंसिल से करना है और हल्का हल्का। तो इस तरीके से करने का अभी जो है हमारा चित्र जो है बन करके तैयार हो चुका है। अभी हमको इसके सभी भागों के नाम डालना बहुत ही जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है माप इसका। यहां से यहां तक की जो दूरी है इसकी होनी चाहिए 5 से 6 मीटर। क्या आपको दूरी एकदम क्लियर डालना है इस पे। भले ही मानता हूं कि आपकी कॉपी में 5 से 6 मीटर का चित्र नहीं बनेगा, लेकिन आपको दूरी जो है किताब की देखकर डालना है। और जो यहां से यहां तक की दूरी है तो इसकी दूरी होनी चाहिए 200 से 300 सेंटीमीटर। cm ध्यान रखना है ये मीटर में ये सेंटीमीटर में। और ये जो भाग है ये तीन हमने काटे हुए हैं इनकी दूरी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, इसकी भी 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की 15 और यहाँ से यहाँ तक की 15 इसकी। चालीस सेंटीमीटर इस वाले बात की, जो इसकी चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ।
तो दोस्तों ये जो मैंने टुकड़े बना बतवाए बताए थे आपको पत्थर के, इनको कहते हैं सीमेंट कंक्रीट, 1:2:4 के अनुपात में सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट और यहां से तीर लगाया मैंने, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी हमारी 275 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और यहां से जो ऊपर वाली भाग है इसका होगा 25 सेंटीमीटर। तो इसकी माप जो है अधिकतम सेंटीमीटर में, मीटर में ओनली ये माप है, और टोटल माप कितनी, टोटल माप सेंटीमीटर में। वो जो पाइप का व्यास जो है वो mm में, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये पाइप का व्यास कितना है, 20 mm, mm मतलब मिलीमीटर, व्यास है व्यास। अभी क्या हमारी दूरी और ऊंचाई जो है सबकी गिर चुकी है। अभी जो पाइप है, वो जो पाइप और आयरन कवर, आयरन कवर की दूरी जो होती है इसके बाद डाल लेते हैं हम 60 सेंटीमीटर। अभी लगभग हमने माप सभी का डाल दिया है, अभी ओनली नाम लिखना बाकी है। तो नाम हम फटाफट लिख देते हैं, इसका नाम है नमक का तार। आपको नाम लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा इस चित्र में, सेकंड ईयर में कोई भी चित्र हो आपका नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये गोला है, ये हमने कट लगाया हुआ है यहाँ पर, और एक ये गोला और एक कट, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, कट और एक गोला, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, जी आई पाइप में 12 mm का छिद्र, 12 mm का छिद्र इस तरह से। और इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 40 mm का GI5, 40 mm का GI5। अच्छा लास्ट वाला जो है, ये बिंदु जो हमारा रहता है, ये चारकोल की परत, चारकोल की परत। आपको समझ ना आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और वीडियो को आराम से स्लो मोशन में चला के देख सकते हैं। जी ऊपर वाला है कास्ट आयरन कवर, कास्ट आयरन कवर, और जो सेम ऊपर वाला फनल, ये वाला भाग केबल लग, वीडियो को सबसे आखिरी में एंड स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा इसका पूरा चित्र किताब से बना हुआ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसका आसानी से भाग के नाम आप आसानी से देख सकते हैं, आपको इसमें समझ ना आए तो एकदम एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा इसका फोटो के लिए। तो दोस्तों लगभग हमने सभी के नाम भी डाल लिया, तो ये चित्र हमारा बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे प्लेट अर्थ है, ये हमारा पाइप अर्थ है, पाइप अर्थ है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।